श्रीलंका एक ऐसा मुल्क जहां भारत की ही तरह क्रिकेट खेल सालों से लोगों का मूड तय करता आया है। जीत का जश्न हो या हार का मातम, दोनों ही परिस्थितियों में श्रीलंकन क्रिकेट फैंस की भावनाएं हमेशा से ही अपनी टीम के प्रति जगजाहिर होती आई हैं। आज भले ही श्रीलंकन क्रिकेट टीम अपने फैंस की उम्मीदों के विपरीत वर्ल्ड क्रिकेट में अपना जलवा नहीं बिखेर पा रही है, पर एक दौर हुआ करता था जब ICC के वर्ल्ड कप इवेंट्स में विश्व की सभी क्रिकेट टीमें फाइनल में श्रीलंका को हराने के लिए खेला करती थीं। साल 1999 से 2014 तक गोल्डन एरा में रहने वाली श्रीलंकन क्रिकेट टीम अपने इस दौर में न जाने कितने ही दिग्गज श्रीलंकाई खिलाड़ियों की साक्षी बनी। मारवन अट्टापट्टू, महिला जयवर्धने, रंगना हैरात, चामिंडावास, श्रीलंकन क्रिकेट आसमान के यह कुछ ऐसे सितारे हैं जिनकी चमक से श्रीलंकन क्रिकेट लगभग 10 सालों तक जगमगाता रहा। और दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपसे श्रीलंकन क्रिकेट टीम के एक ऐसे ही खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं जिसकी चमक तले श्रीलंकन क्रिकेट कई सालों तक बिखेरता रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अपने स्लिंग बॉलिंग एक्शन से वर्ल्ड क्रिकेट में स्लिंगा मलिंगा की उपाधि प्राप्त करने वाले श्रीलंकन गेंदबाज लसित मलिंगा की। इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 बार हैट्रिक लेने वाले लसित मलिंगा अपने करियर में डेब्यू के बाद से ही लगातार कामयाबी पाने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं। सचिन, सहवाग और वाटसन जैसे धुरंधर क्रिकेट खिलाड़ियों को 6-6 बार अपना शिकार बनाने वाले लसित मलिंगा अपनी कैप्टनसी में श्रीलंकन क्रिकेट टीम को साल 2014 में T20 क्रिकेट का विश्व विजेता भी बना चुके हैं। दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट में सुपर डुपर हिट हुई लसित मलिंगा की कहानी अगर हम शुरू से शुरू करें तो यह कहानी आरंभ होती है 28 अगस्त साल 1983 से, जब पिता सेपर मार्टू मिल्टन और माँ स्वर्णा थेनुवारा के घर लसित मलिंगा का जन्म हुआ। मलिंगा के पिता पेशे से बस मैकेनिक थे और मलिंगा की शुरुआती शिक्षा अपने गाँव रथगामा से ही हुई, जहाँ से उन्हें क्रिकेट खेलने का चस्का लगा। पिता के काम पर जाने के बाद मलिंगा दोस्तों के साथ अपने घर के पास स्थित समुद्री बीच पर जमकर क्रिकेट खेला करते थे। समुद्री रेत पर टेनिस बॉल के टप्पा न खाने के कारण ही मलिंगा लगातार अपनी आदत में यॉर्कर गेंद फेंकना शुमार करते गए और यहीं से मलिंगा के यॉर्कर किंग बनने की असली शुरुआत हुई। महज 11 साल की उम्र में स्लिंग बॉलिंग एक्शन और टो क्रशर यॉर्कर के चलते अपनी दोगुनी उम्र के बल्लेबाजों को चलता कर देने वाले लसित मलिंगा स्थानीय स्तरों पर पूरी तरह अपने हुनर का सिक्का जमा चुके थे। मलिंगा के स्कूली क्रिकेट के दौरान उन पर पूर्व श्रीलंकाई गेंदबाज चंपक राम नायके की नजर पड़ी। राम नायके मलिंगा की घातक और विलक्षित गेंदबाजी कला को देख उनसे खासे प्रभावित हुए और उन्होंने मलिंगा की प्रतिभा में और धार लगाने के लिए मलिंगा को गैल क्रिकेट क्लब में भर्ती कर दिया। इस दौरान राम नायके ने मलिंगा के स्लिंग बॉलिंग एक्शन को राउंड आर्म एक्शन में बदलने की भी भरसक कोशिश की, लेकिन राउंड आर्म एक्शन में कामयाबी न मिलने के बाद मलिंगा अपने स्लिंग बॉलिंग एक्शन को ही निरंतर बेहतर बनाने में जुट गए। मलिंगा द्वारा बॉलिंग एक्शन पर की गई मेहनत उनके प्रथम श्रेणी क्रिकेट में आंकड़ों के रूप में उभर कर सामने आई। अपने द्वारा खेले गए कुल 83 प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैचों में मलिंगा ने 257 सफलताएं अपने नाम की। इस दौरान हर तीसरी बॉल पर एक विकेट लेने का शानदार औसत भी मलिंगा के नाम दर्ज रहा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के दौरान बड़े बड़े दिग्गज भी मलिंगा की कहर बरपाती यॉर्कर से खौफ खाया करते थे। बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स तो नेट्स में मलिंगा को फेस करने से ही मना कर देते थे। पूर्व श्रीलंकन कप्तान अरविंद डिसिल्वा भी नेट्स में मलिंगा को खेलना पसंद नहीं करते थे और इसकी वजह थी शरीर को घायल कर देने वाली मलिंगा की खतरनाक गेंदबाजी। अपने घरेलू क्रिकेट करियर में आंकड़ों कई कीर्तिमान स्थापित करने के बाद लसित मलिंगा आखिरकार 1 जुलाई साल 2004 को इंटरनेशनल टेस्ट कैप पहनने में कामयाब हो गए और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में मलिंगा 6 विकेटों का आंकड़ा अपने नाम के आगे जोड़ने में कामयाब रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अपने पहले मैच में शेन वार्न और एडम गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने वाले लसित मलिंगा रातों रात श्रीलंकन और ऑस्ट्रेलियन अखबारों के मुख्य पेज का चेहरा बन गए। मलिंगा की खतरनाक गेंदबाजी का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर्स पर इतना असर रहा कि कई दिग्गज खिलाड़ी श्रीलंकन ड्रेसिंग रूम में जाकर मलिंगा की पीठ थपथपा कर आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन के बाद लसित मलिंगा साल 2004 के एशिया कप में भाग लेने वाली श्रीलंकन ODI टीम का भी हिस्सा बन गए और अपने डेब्यू के साथ ही लसित मलिंगा को श्रीलंकन एक दिवसीय टीम का 123वां खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल हुआ। UAE के खिलाफ खेले गए अपने पहले ODI मैच में मलिंगा 39 रन देकर UAE कप्तान खुर्रम खान का विकेट लेने में भी कामयाब रहे। वनडे क्रिकेट में अपने डेब्यू के साथ मलिंगा एक के बाद एक कई उपलब्धि अपने नाम के आगे दर्ज करवाते रहे। साल 2007 के श्रीलंका बनाम साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप मैच में लगातार 4 बॉलों पर विकेट लेकर मलिंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यॉर्कर किंग के रूप में ख्याति अर्जित कर बैठे। भारत में आयोजित हुए साल 2011 वर्ल्ड कप में केन्या के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में मलिंगा अपने करियर की दूसरी हैट्रिक लेने में भी कामयाब हो गए और इस हैट्रिक को लेने के बाद मलिंगा वर्ल्ड कप मैचों में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज बन गए। इसके बाद अगस्त 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लसित मलिंगा एक बार फिर अपने नाम के आगे
आगे हैट्रिक जोड़ने में कामयाब रहे, जिसके बाद मलिंगा ओडीआई क्रिकेट में 3 हैट्रिक लेने वाले पहले पेशेवर गेंदबाज बन गए। अपनी यूनिक बॉलिंग एक्शन और खतरनाक मिश्रण के चलते लासित मलिंगा विश्व क्रिकेट में एक के बाद एक कई आंकड़े अपने नाम करते गए। अगर बात करें वर्ल्ड क्रिकेट में लासित मलिंगा द्वारा अपने नाम किए गए आंकड़ों की, तो 30 टेस्ट और 226 ओडीआई मैचों में मलिंगा के विकेट क्रमशः 101 और 338 हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में भी लासित मलिंगा के नाम 20 की औसत से 136 विकेट दर्ज हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में मलिंगा के नाम सबसे पहले 100 विकेट हासिल करने के साथ साथ 2 हैट्रिक्स अपने नाम करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा यदि हम बात करें मलिंगा के फ्रेंचाइजी क्रिकेट करियर की, तो यहाँ मलिंगा बिग बैश लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, श्रीलंकन प्रीमियर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग जैसे कई लीग्स में खेलते नजर आए। विशेषकर बात करें यदि आईपीएल की, तो मुंबई इंडियंस के लिए मलिंगा अपने द्वारा खेले गए कुल 122 आईपीएल मैचों में 170 विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे और 170 विकेटों के साथ ही मलिंगा आईपीएल के अभी तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तमाम उपलब्धियों से भरी मलिंगा की प्रोफेशनल लाइफ के अलावा यदि हम बात करें उनके पर्सनल लाइफ की, तो मलिंगा ने साल 2010 में अपने बचपन के मित्र तान्या परेरा से शादी रचाई थी, जिनसे इनके 2 बच्चे भी हैं। हालांकि यॉर्कर किंग लासित मलिंगा 14 सितंबर 2021 को अपने पूर्ण संन्यास का ऐलान कर चुके हैं, पर इसके बावजूद भी अतीत में किए गए अपने जादुई बॉलिंग प्रदर्शन की दम पर मलिंगा क्रिकेट प्रेमियों के बीच में आज भी अपनी एक विशेष जगह स्थापित किए हुए हैं। तो दोस्तों, लासित मलिंगा की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।